दीक्षा मत ब्लॉग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का समय है, देखिए मस्त सूरज उग रहा है। अभी केवल सुबह के 6 बज रहे और हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और अच्छे से रेडी होके अभी हम लोग जा रहे हैं रजरप्पा मंदिर दर्शन के लिए। ताला तो ग्रिल में लगा दिए हैं और एक ताला मेरे हाथ में है, इसको बाहर में लगाएंगे। घर से तो निकल गए अभी हम लोग और अभी पूरा रास्ता खाली नजर आ रहा है, एकदम सवेरे सवेरे जा रहे हैं इसीलिए कोई ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा है और कुछ कुछ गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, जैसे कि आगे वाला बस है ऐसे ही, बाकी सब खाली। और सवेरे जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम लोग का जल्दी से पूजा भी हो जाएगा। और देखिए रास्ते में कितना बैल बकरी सब गाय सब बैठी हुई है। और एक भैया हम लोग को मिल गए थे रास्ते में, उनसे पूछ रहे थे जाने का रास्ता, मंदिर जाने का रास्ता, तो वो हमें ही ले जा रहे हैं। और उनका पूजा का सामान का दुकान भी है तो वो कहते हैं कि वहीं से लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे रास्ते भर पूरा लाइन लगा हुआ है पूजा का सामान का दुकान और सभी लोग बोल रहे हैं कि इधर रखिए गाड़ी उधर रखिए गाड़ी, मतलब ये तो हर मंदिर में होता है भाई। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी से मंदिर तक पहुँचना है, वहीं पर गाड़ी रखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आ गए हैं स्कूल के, बस से ही आ गए हैं इतने सारे पूजा करने के लिए। और हम लोग इस जगह पे आ गए हैं, यहीं पे गाड़ी रखेंगे, इस जगह रखने बोला गया हम लोग को। अब सबसे पहले चलते हैं पूजा का सामान लेने के लिए क्योंकि सबसे पहले अभी पूजा करना है। तो अभी दुकान पे आ गए हैं और एक थाली रेडी करने के लिए बोले, एक ही थाली में दोनों को पूजा करेंगे। और भैया से मंदिर जाने का रास्ता पूछ रहे थे तो वो बता दिए हैं क्योंकि मैं इससे पहले कभी आई नहीं थी, मेरे हस्बैंड आए थे जो कि बचपन में आए थे तो मुझे नहीं पता है, इनसे पूछ लिए। और एक थाली हम लोग का रेडी हो रहा है। पूजा का थाली हम लोग का रेडी हो गया था, ये रहा पूजा का थाली। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले मंदिर क्योंकि पूजा करना है सबसे पहले। और मंदिर तक जाने के लिए हम लोग को थोड़ा सकरा रास्ता से गुजरना पड़ेगा, पतला रास्ता है, इधर पहले जैसा था वैसे ही है, अभी चौड़ा रास्ता नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग मंदिर तक पहुँच गए हैं तो मेन मंदिर जो है आगे है, वहाँ चलते हैं सबसे पहले। मेन मंदिर में तो मैं पूजा कर ली, मेन मंदिर में माँ छिन्नमस्तिका विराजमान थी और अधिक भीड़ नहीं था इसीलिए जल्दी से ही हो पाया पूजा, बस स्टूडेंट लोग थे। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर अगरबत्ती जलाने के लिए क्योंकि अंदर में अगरबत्ती जलाना नारियल फोड़ना अलाव नहीं था। पूजा करने के बाद हम लोग कुछ कुछ फोटोज खिंचवाए थे मंदिर के बाहर में तो वो सबको अभी हम लोग लेने आ गए हैं। अभी देखते हैं कि निकाल दिए हैं कि नहीं, ये सब चॉइस कर रहे हैं कौन कौन फोटो सब हम लोग को लेना है। फोटोज लेने के बाद अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू आता है नदी का और यहाँ से नदियों का संगम भी दिखता है। तो अभी ऊपर चढ़ के देखते हैं, देखिए ये रह गया नदी और बहुत ही सुंदर, सही में बहुत ही सुंदर दिख रहा है देखने में। और यहाँ से जो है उस जगह मिलती है दोनों नदियाँ, नदियों का संगम है वो। और यहाँ है मंदिर, नदी के सामने में ही है ये मंदिर। और अब हम लोग जा रहे हैं नाव चढ़ने के लिए, नदी देख के मुझे नाव चढ़ने मन करने लग गया। और देखिए यहाँ पे दो दो नाव है नदी में, एक नाव तैर रही है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और एक खाली है। तो यहाँ पे पता किए आसपास से तो केवल 85 रुपया है, ऐसे मशीन वाला रहता तो थोड़ा सा इससे महंगा पड़ता बट मशीन वाला नहीं है तो अच्छा है, यहाँ के लोगों को लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। केवल 50 रुपया है तो चढ़ने में क्या अर्ज है, एक बार चढ़ लेते हैं, इतना बड़ा सा नाव है, आज मैं फर्स्ट बार चढ़ूँगी यहाँ पे, इससे पहले मैं ऐसा नाव में कभी नहीं चढ़ी थी, इतना बड़ा सा नाव में। हाँ मैं बोट चढ़ी हूँ, बोटिंग की हूँ लेकिन नाव नहीं चढ़ी हूँ। तो ये नाव अभी सामने आ गया है, इसी में चढ़ते हैं। नीचे में बांस दिया हुआ है देखिए और ऊपर में बैठने के लिए पाटा है और तीन तीन पाटा लगाया हुआ है यहाँ पे, तीन तीन पाटा में जितने कोई भी चढ़ सकते हैं। तो हम लोग अभी केवल दो को ही है तो कहीं पर भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जो कि नाव में चढ़ गए हैं और इधर देख सकते हैं पत्थर सब कितना मस्त लग रहा है। और ये दामोदर नदी है,
ये कितना गड्ढा होगा भैया? 30 फीट 20 फीट तो काफी गड्ढा है। और अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और इस पत्थर सब के ऊपर में जो है काशी का फूल फूटा हुआ है। अभी जो काशी का सीजन चल रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ऊपर से पत्थर सबका इस तरह से डिजाइन बना हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे तरफ जहाँ से नदी बहती हुई आ रही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नदियों के संगम की ओर जहाँ पे नदी मिलता है। और ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। अंग्रेज लोग का जब शासन चल रहा था तब यहाँ से कोयला निकालने के लिए उन लोग रेल लाइन भी बिछा लिए थे। पहुंचने वाले हैं संगम स्थल पर, दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर। देख सकते हैं पीछे में जो है अभी तक पानी आने लग गया है मेरे ऊपर, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, वाह क्या बात है। और इस जगह का गहराई आज तक कोई भी नहीं माप पाया है जहाँ पे संगम हो रहा है। इस जगह काफी गहरा हो गया है, देख सकते हैं उधर काफी अधिक पानी गिर रहा है। अरे बाप रे, इतना सामने भीग जाएंगे अंकल हो गया। इतना सामने बहुत ही करीब आ गए हम लोग संगम के पास से। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, सब तरफ तो घूम लिए, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत मजा आया यहाँ चढ़ के। अब तो बारिश भी होने लग गई है, एक दो बूंद कर करके बारिश भी हो रही है। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहीं पे हम लोग को उतरना पड़ेगा। ये रह गया मेरा पूजा का थाली, मैं यहाँ पर रख दी थी। अभी यहाँ से हम लोग उतरेंगे, यहाँ से ना, यहाँ से जाने का है, चलते हैं। हाँ उतर गए अब हम लोग जा रहे हैं वापस से उसी दुकान में जहाँ पे हम लोग पूजा का सामान लिए थे, क्योंकि सारा सामान को अभी पैक भी करवाना है। पूजा तो कर लिए तो सारा प्रसादी को एक प्लास्टिक में भर दे रहे हैं ये अंकल। और फिर हम लोग नाश्ता करने भी जाएंगे, ये सबको प्रसाद सबको गाड़ी में रख करके, क्योंकि भूख भी लग रहा है। कुछ टाइम हो गया है हम लोग का पूजा किया हुआ, प्रसाद हो गया अभी पैक, एक ही प्लास्टिक में सारा चीज़ पैक हो गया। तो अभी इसको हम लोग गाड़ी के सामने रखते हैं, गाड़ी में ही रख देते हैं, उसके बाद जाएंगे नाश्ता करने के लिए। ये रह गई हमारी कार। अब हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, अभी जोरों की भूख लगी है। हम लोग जहाँ पे पूजा का सामान लिए थे वहीं पे पूछे थे कि यहाँ पे सबसे अच्छा नाश्ता कहाँ पे मिलेगा, नाश्ता हो या खाना हो कुछ भी कहाँ पे मिलेगा, तो इस जगह का नाम बताया गया था। तो अभी हम लोग यहीं पे आ गए हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या गर्मा गर्म है। जो भी है, जो भी गर्म गर्म है वही मंगा लेते हैं, वही खाते हैं अभी। तो हम लोग मंगा लिए थे छोला भटूरा और अभी आ भी गया, यही केवल गर्मा गर्म था, और भी है लेकिन वह सब थोड़ा गर्म नहीं है। और साथ में इधर सलाद भी है, अचार भी है और जलेबी भी मंगा लिए थे, एकदम फुला फुला है। नाश्ता तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और राजरप्पा मंदिर का इतिहास, माँ छिन्नमस्तिका का कहानी मैं बीते ब्लॉग में बताई हूँ, तो आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं उसको भी। अभी हम लोग घर के लिए लौट ही रहे थे और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर काशी सब देखने को मिल रहा है, एकदम व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा सा रुक लिए हैं यहाँ पे, देखिए उस साइड में बारिश हो रहा है लेकिन यहाँ पे अभी एक भी बारिश नहीं हो रहा है और आगे में बारिश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हम लोग को दौड़ा रहा है। इधर एक बूंद भी बारिश नहीं हो रहा है, अभी अभी जस्ट पहुंचा, देखिए हाथों में अब बारिश होने लग गई। अब तो इतनी बारिश होने लग गई कि कुछ कहने का ही नहीं है, एकदम सब तरफ अंधेरा अंधेरा कर दिया, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। अच्छा हुआ कि पहले नहीं किया, वरना सब चौपट हो जाता। मंदिर जाने वक्त अगर बारिश हो जाता स्टार्ट, तब तो ना नाव चढ़ पाते, ना ठीक से पूजा कर पाते, ना कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा हुआ कि वापस लौटते वक्त बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।